हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में। मानो या ना मानो, पूर्व जन्म के कर्म आज भी कर रहे हैं आपका पीछा। हम सभी से जाने अनजाने में कई पाप कर्म हो जाते हैं। वो इस जन्म के भी हो सकते हैं या हमारे से पिछले जन्म भी हो सकते हैं। तो पिछले जन्मों के पाप कर्मों के फल से बचने का एक चमत्कारी उपाय जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो जैसे मैंने बताया कि हमसे जाने जाने में कई पाप कर्म हो जाते हैं जो हमसे पिछले जन्म में भी हुए होंगे और इस जन्म में भी हुए होंगे। और कई पाप कर्म तो बिल्कुल सूक्ष्म रूप में होते हैं जो हमें पता ही चलता है कि हमसे पाप कर्म हो चुके हैं। तो उसका भुगतान हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में करना पड़ता है। कई केस में हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है किसी को, और भी इसके अंदर कई चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कई अगर आपके रिलेशन जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, लाइफ में बैड रिलेशन हैं, चाहे वो फादर सन के रिलेशन है, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, चाहे आपके दोस्त से रिलेशन है, वो ख़राब रिलेशन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपका रिलेशन ख़राब क्यों हो रहे हैं? तो डेफिनेटली आपका कोई अपने पिछले जन्म में ऐसे कर्म है, आपने जब भी अपने पार्टनर के साथ या किसी दोस्त के साथ या अपने बेटे के साथ या फादर के साथ आपने कोई ऐसे पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो कि खराब कर्म थे, और वो इस जन्म में जो है वो अपना हिसाब किताब वापस ले रहे हैं। तो वो इस जन्म में आपको बैड रिलेशन के फॉर्म में मिल रहे हैं, या जैसे ने बताया कि हॉस्पिटलाइजेशन के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो इसके अलावा कई बार होता है कि इंसान जॉबलेस होता है, मतलब जॉब होते हुए या जॉब थी वो छूट गई जॉब, उसके बाद जॉब नहीं मिल रही है, जॉबलेस है और काफ़ी टाइम हो गया उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपने मान लो इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, आप सोचते हो कि मुझसे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? तो डेफिनेटली कोई इसमें पिछले जन्म के कोई पाप कर्म होंगे जो आपसे जाने जाने में हो गए हैं, और उसकी वजह से आपको जो है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। या इसके अलावा कई केस में होता है, हम देखते हैं कि लोग होमलेस होते हैं, मतलब क्योंकि आप रेंट पे रह रहे होते हैं, अपना मकान नहीं होता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से होता है। या कई केसेस में देखते हैं कि आपस में पति पत्नी का डिवोर्स हो गया, तो वो भी डेफिनेटली कोई ऐसे कर्म आपने पिछले जन्म में किए होंगे। तो डिवोर्स केस में देखते हैं कि पिछले जन्म का कुछ ताप ताव होगा और अपन पे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे पिछले जन्म में भी, जो कि इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। ऐसे ही कई केस में देखते हैं लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं छोटी बातों को लेके, चाहे बिजनेस का बिजनेस में लॉस हो गया या जॉब चली गई या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम को लेके आपस में रिलेशन ठीक नहीं है, तो उसकी छोटी प्रॉब्लम से जो है लोग डिप्रेशन में आते हैं। ये भी हम देखने को काफ़ी मिल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के कर्मों से या इस जन्म के कर्मों से रिलेशन होता है इसका। या जो शॉर्ट ऑफ मनी है, मतलब कि पैसा पैसे की कमी आ गई है, पैसा जो है आपका आता है जॉब से या बिजनेस से आता है लेकिन वो जुड़ता नहीं है, तो आपका हमेशा जो है आपके पास पैसे की कमी होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों का जो हमने कर्म किए हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। या इसके अलावा कोई आपको चीटिंग इन बिजनेस और रिलेशन, मतलब आपके बिजनेस में किसी पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, ठीक है, हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसको धोखा दिया हो और इस जन्म में जो है उस पार्टनर ने जो है आपको धोखा दे दिया। या ऐसी रिलेशन में भी हो सकता है, आपकी वाइफ ने, आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दिया, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दिया। तो डेफिनेटली पिछले जन्म में आपने उनके साथ कुछ चीट किया होगा जो आपको इस जन्म में धोखा मिल रहा है। तो ये दोनों दोनों तरीके से हो सकता है कि या तो आप अपना बदला ले रहे हैं या फिर वो आपसे बदला ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये आपका पिछले जन्म का हिसाब किताब आपके सामने आता है। या फिर कोई आपका बिजनेस में लॉस हो गया, बार बार लॉस हो आपको बिजनेस में हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको परेशानी हो रही है जानने में। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे इस जन्म के या पिछले जन्मों के कर्मों के फल होते हैं। कई केसेस में लीगल बैटल फेस करनी पड़ती है, कोई लीगल केस किसी ने कर दिया आपके ऊपर, चाहे पड़ोसी ने कर दिया या किसी वजह से भी आपका लीगल केस हो गया, तो वो क्यों हो रहा है? ये भी कहीं ना कहीं हमारे हमारा पिछले जन्म का हिसाब किताब होता है। जिसने भी केस किया उसने आपने पिछले जन्म में उसके साथ कोई बुरा किया होगा जो इस जन्म में वो आपके साथ केस लड़ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों के हिसाब किताब हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। या किसी से ब्रॉल, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा आपका हो गया, तो आपने पिछले जन्म में उसको कुछ मारा पीटा होगा, अब वो इस जन्म में आपके साथ बदला ले रहा है। या कोई एक्सीडेंट का कोई केस हो गया, कि आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया, वहाँ आपको लॉस हो गया, आपको चोट लग गई। तो इस तरह के हमें केसेस देखने को मिलते हैं जो कि लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, इस जन्म में हमें कोई भी किसी को कोई तंग नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो डेफिनेटली ये हमारे पिछले जन्मों का हमारा कर्म होता है,
जो हमने किसी से बुरा किया तो वही हमें बुरा जो है उसका वापस मिल रहा मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही आपको जो है फल मिलेगा, तो उसी का हिसाब किताब जो है आपके लाइफ में आता है। तो अगर आप कोई भी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसका एक सिंपल उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। एक तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सरेंडर टू गॉड, भगवान को आप जो है अपने आप को सरेंडर कर दीजिए कि ठीक है, उनसे माफ़ी मांग लीजिए भगवान से कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मुझसे जो भी पाप हुए हैं आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आपके शरण में हूँ। उनका आप जो है भजन कीजिए, उनका नाम लीजिए, जैसे अगर हम राम जी का नाम लें तो राम नाम की माला कीजिए आप, या कृष्ण जी की माला कीजिए, राधा जी की माला कीजिए, नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। तो आप भगवान को सरेंडर हो रहिए, उनका जाप कीजिए आप, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट यही है, और उनसे माफ़ी मांग लीजिए कि मुझसे जो है गलती होगी मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके अलावा जो भी आत्माओं को आपने जो तंग किया है या गलती से आपसे जो भी गलतियाँ हुई हैं पिछले जन्म में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपोलॉजी एंड फॉरगिवनेस, तो माफ़ी मांगना और माफ़ करना। तो दो तरीके हैं, या तो आपको किसी ने तंग किया है पिछले जन्म में, आप उसका बदला ले रहे हैं इस जन्म में, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं हिसाब का बनता है, या फिर आपने किसी साथ बुरा किया वो आपके साथ इस जन्म में बुरा कर रहा है। तो उसके दोनों के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण आपको जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ कि आपको माफ़ी मांगनी है। पहली बात आपको कैसे माफ़ी मांगनी है, आपको ये बोलना है कि मैं उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगता हूँ जिनको मैंने जाने अनजाने में मन से, कर्म से, वचन से कोई भी दुख दिया हो, इस जन्म में या पिछले सभी जन्मों में, जब भी जितने मेरे जन्म हुए हैं सभी जन्मों का आपने उससे बोलना है। तो मुझसे जाने जाने में जो भी गलती हुई है और मैंने किसी को भी जो तंग किया है मन से, कर्म से, वचन से, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे मुक्त कर दीजिए, आप भी मुक्त हो जाएं, आप भी मैं भी मुक्त हो जाऊँ, और मैं आपके भले की कामना करता हूँ भगवान से, ये आपको बोल के और माफ़ी मांगनी है। और दूसरा आपको माफ़ भी करना है, तो आपको ये बोलना है कि मैं उन सभी आत्माओं को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मुझे इस जन्म में या पिछले सभी जन्मों में मेरे साथ बुरा किया, मुझे तंग किया, मुझे कष्ट दिए, मन से, कर्म से, वचन से, मैं उन सभी आत्माओं को माफ़ करता हूँ और मुक्त करता हूँ, आप भी मुक्त हो जाएं, मैं भी मुक्त हो जाऊँ, और ईश्वर से सबके भले की कामना करता हूँ। तो ये अपॉलॉजी और फॉरगिवनेस आप करते हैं, माफ़ी मांगना और माफ़ करना अगर आप करते हैं, तो इससे जो है आपके जो 70-80% जो है आपकी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको कम से कम जो है 21 डेज करना है, और इसको आप बढ़ा के 40 डेज या 60 डेज भी कर सकते हैं, 90 डेज भी कर सकते हैं। जितना आप इसको ज़्यादा करेंगे आपके उतने ही जो है पाप जो है कम होते जाएंगे, आपका जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो है काफ़ी अच्छा होना शुरू हो गया, और आपकी जितनी प्रॉब्लम है आपकी रिजॉल्व होनी शुरू होगी, देखेंगे आपकी जो भी इच्छाएँ हैं वो आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।